आज रुचि की शादी है तो उसके लिए पूरी तैयारियां शुरू हो गई है सुबह से ही। चलो जी, आज बारात आएगी। हाँ सर। और बारात के स्वागत में अभी सारे गांव वाले रेडी हैं और हम भी अपने काम पे लग गए हैं सुबह से ही। अब यहाँ पे दान वगैरह वाले आएंगे तो उनका दान लिखना पड़ेगा रजिस्टर में। बाकी यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो गई है बारात के स्वागत के लिए। पूरा पंडाल सज गया है और बाकी डोली वगैरह सजा रहे हैं। बेटा क्या हाल है? करो भाई साहब, फोटो खींच रहे हैं। आगे करो चलो जी, बारात भी आ गए हैं और उनका स्वागत यहाँ पे हो रहा है और वहाँ से यहाँ पे आएगी। चलो जी, बारात भी आ गई है और बारात का स्वागत भी चलो जी, बारात भी यहाँ गेट पे पहुंच चुकी है और सारी बाराती और जो लेने वाले होंगे वो अभी डांस कर रहे हैं और हमारे सब लोग यहाँ पे स्वागत के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही बाराती आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, तो सारे उनकी इंतजारी में। धीरे धीरे सब मेहमानों की एंट्री होने लगी है अब और एक एक करके सब मेहमान आ रहे हैं और उनके स्वागत में जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं और उनसे मुलाकात करना, ये सब जिनके जान पहचान वाले होंगे ना, सब आपस में मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे लास्ट में दूल्हे की एंट्री और डोली में आएंगे दूल्हे राजा। चलो जी, यहाँ पे सब मेहमानों के स्वागत के बाद सबसे पहले होगी गणेश पूजा और मेहमानों को चाय पानी दिया जाएगा।
बच्चे परेशान हुए। चलो जी, अब यहाँ पे लिफाफा वगैरह दिया जा रहा है सारे बारातियों को। पंडित जी, सबसे पहले दूल्हे से शुरुआत होती है, उसके बाद सभी बारातियों को मिठाई वगैरह लगाई जाएगी, उसके बाद भोजन हो जाएगा और यहाँ पे चलेगा जय माला का कार्यक्रम। भोजन भी शुरू हो गया है और सब लोग बारी बारी से भोजन कर रहे हैं यहाँ पे और लाइन पे लगे हैं। अब जयमाला के लिए दुल्हन का आगमन भी हो गया है और यहाँ पे अब जयमाला का कार्यक्रम चलेगा। इस्तकबाल करता है और स्वागत करता है और आए हुए सभी मेहमानों से गुजारिश है कि जो भी मेहमान भोजन के मिनटों का इंतजार कर रहा है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। चलो जी, बारात भी आ गई, उनका स्वागत भी हो गया, जयमाला भी हो गई। अभी फोटो शूट का कार्यक्रम चल ही रहा है यहाँ पे और भाई सब रिश्तेदार सब लोग यहाँ पे फोटो शूट करेंगे, यार दोस्त। जयमाला के बाद अब शादी हो रही है यहाँ पे। और पहले ज़माने में तो रात को होती थी शादी, जब टू डे बारात होती थी, लेकिन अब वन डे बारात हो रही है तो दिन में ही शादी वगैरह होती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे लगेंगे। तो अभी तो शादी हो रही है, गायदान होता है, इसके बाद ससभेट और ससभेट के बाद लास्ट में होती है डोली विदाई। तो ये प्रोसेस अभी चलती रहेगी। दोनों तरफ के ब्राह्मण बैठे हैं और लगातार मंत्रोच्चारण के साथ हमारे कैमरा वाले भाई भी एक एक सीन छूट नहीं जाए उसके लिए शूट कर रहे हैं। अभी पूरी शादी की वीडियो बनाएंगे।
गया है और अब हो रही है यहाँ पे बिताई, उसके लिए डोली वगैरह तैयार हो रही है। घोड़ा भी आ गया, तो यहाँ से दुल्हन डोली में और घोड़े में दूल्हे राजा जाएंगे।